IPL 2019 में आपकी फेवरेट टीम्स, प्लेयर्स और सभी मैच के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। IPL का तीसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की आतिशी पारी की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 37 रनों से हरा दिया। इस मैच के दौरान दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक शानदार रनआउट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के दौरान श्रेयस ने युवा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को रनआउट करके पवेलियन भेज दिया। पांचवें ओवर के आखिरी गेंद पर सूर्य मिड ऑन पर शॉट खेलकर एक रन चुराना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के कप्तान ने फुर्ती दिखाते हुए एक हाथ से गेंद उठाकर स्टंप पर दे मारी, जो इतना सही था कि सीधा जाकर स्टंप पर लगा और सूर्य क्रीज पर पहुंच ही नहीं पाए। बता दें कि इस मैच में दिल्ली ने पहली बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 213 रनों का विशाल स्कोर बनाया और फिर मुंबई को 19.2 ओवर में 176 रनों पर समेट दिया। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।